तो हेलो यार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड अगेन हम बात करने वाले हैं भाई, आज हम बहुत सारा काम करने वाले हैं वैसे तो। और हम आज गन्ने की फार्मिंग करने वाले, मतलब शुगर केन की फार्मिंग करने वाले। उसी के साथ हम बैम्बूस की भी फार्मिंग करने वाले हैं, क्योंकि उसी से तो वो बनता है ना भाई, जो कि हमारा होता है कंप्रेस्ड किया हुआ शुगर केन और कंप्रेस्ड बैम्बू, और उससे स्लाइम बॉल वगैरह बनते हैं। तो हम आज बहुत सारा काम करने वाले, आप सिर्फ बस देखते रहिए। लेकिन उससे पहले हमें साइन बनाना पड़ेगा, जो कि है ओक साइन। तो चलिए भाई फटाफट से ओक साइन बना लेते हैं। तो छः मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ हो गए भाई, उससे हमें बोन मील मिलेगी। तो चलिए फटाफट से बोन मील बना लेते हैं, देखते हैं कितनी मिलती है यार। अच्छा 36 मिली तो बहुत है भाई, इनफ है ये, जो कि हमारे शुगर केन में तो काम आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें पानी बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि शुगर केन उगाने के लिए पानी तो चाहिए होगा ना। तो उसके लिए हमें वेट स्पंज लेना पड़ेगा, और वेट स्पंज ले लो और चलो भाई। अभी फर्नेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें उससे पहले, लेकिन हमें बकेट भी तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि बकेट तो है नहीं हमारे पास। तो 3 आयरन पड़े हैं मेरे पास वैसे भी, और 3 आयरन से हम बना लेते हैं फटाफट से बकेट। अच्छा तो ये बकेट आ चुकी है भाई, और अभी मेरे को कोल चाहिए भाई, 4 कोल। अच्छा कोई भी फ्यूल चलेगा वैसे तो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो अभी 1-4 कोल ले लीजिए और रख दीजिए भाई। पहले तो ऊपर आपको वो रखना पड़ेगा जो कि वेट स्पंज, और नीचे आपको फ्यूल रखना पड़ेगा। और जैसे ही फ्यूल गायब होता है उसके नीचे आपको बकेट रख देनी है। ध्यान से स्पंज ड्राई होने से पहले आपको रखनी है भाई बकेट, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको एक तरफ ड्राई स्पंज मिल जाएगा और दूसरी तरफ आपको नीचे मिल जाएगा पानी से भरे बकेट। तो अभी चलते हैं भाई। तो इसमें कुछ है क्या भाई? इसमें कब्लस्टोन है, थोड़ी बहुत कब्लस्टोन ले लेते हैं भाई, हमें काम आएंगे भाई ऊपर वो करने में, बनाने में। अभी 3 या फिर ये कब्लस्टोन रख देता हूँ, पहले तो ये हटा दो भाई टॉर्चेस। और मेरे को अभी वो वहाँ पर डर्ट लेने पड़ेंगे भाई, डर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डर्ट पे तो ही उगेंगे ना, ज़मीन पे थोड़ी उगेंगे। तो चलो चलिए भाई, मैंने लगा दिए अभी डर्ट। अभी मेरे को वहाँ पे वो लगाने पड़ेंगे, कब्लस्टोन से ये कवर कर लेता हूँ। और पानी की बकेट मेरे पास है भाई, तो हम रख देते हैं पानी, हमारा ये पहला पानी होगा। अरे भाई रख नहीं पा रहा हूँ क्या मैं, एक मिनट। अच्छा मेरे को समझ में आ चुका है भाई, वो स्लैब है ना नीचे, आधा ब्लॉक लगाया है इसीलिए वो सब ये सब दिक्कत कर रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस साइड में लगा देना है भाई। तो अभी फटाफट से अपनी बोन मील ले लेते हैं और फटाफट से शुगर केन को पढ़ाते हैं। चलो भाई फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने तो अभी के लिए। अभी तो हमारे पास एक स्टैक हो चुका है वैसे, लेकिन मेरे पास कोल ख़त्म हो गया है भाई, मेरे को कोल लेना पड़ेगा। अच्छा सॉरी कोल नहीं भाई, वो जो कि बोन मील, तो मेरे को बोन मील लेनी पड़ेगी, बोन मील ले ली। अभी मेरे को यहाँ पे ब्लॉक रखे थे भाई शायद मैंने, अच्छा ये ब्लॉक ले लो भाई और चलो। अच्छा 27 बने क्या, ठीक है यार कोई बात नहीं। चलो भाई फटाफट से बैम्बूज उगा दो। और ये इसको काट दो। मेरे को लगता है नीचे पड़े भाई मेरे वो जो बैम्बूज लगाए थे मैंने, नीचे गिरा शायद, कोई नहीं बाद में ले लूंगा भाई मैं, नीचे ही तो जाने वाले हैं ना हम। यार ये भी अभी ख़त्म हो गया भाई, कोई नहीं इतने बहुत है भाई, अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले लेंगे भाई। वो पेड़ काटते हैं हमें बहुत सारे प्लैंक्स बना सकते हैं, उससे हमें बोन मील भी मिल जाएगी। और उस वाली चेस्ट में तो बहुत सारा बोन भर भर के पड़ा हुआ है भाई। तो चलो यार अभी अभी मेरे को बनाना क्या है,
मेरे को सबसे पहले इनको कंप्रेस्ड करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो शुगर केन को कंप्रेस्ड कर देते हैं, उसके बाद बैम्बूज को करते हैं। तो चलिए भाई रख देते हैं। अच्छा 7 बने, और यार मैंने ये तो बना लिया है भाई, मेरे पास बहुत 7 बने हैं। 7 शुगर केन के जो ब्लॉक्स है वो बन चुके हैं भाई। अभी मेरे को कंप्रेस्ड बैम्बूज भी तो बनाने पड़ेंगे ना, तो वो भी बना लिए भाई। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें रखना है आपको। पहले तो कोल ले लो भाई, क्योंकि फ्यूल की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है ना वैसे। तो पहले तो फ्यूल रख दो कोई भी, और उसके ऊपर रख दो बैम्बूज का, कंप्रेस्ड किए हुए बैम्बूज। उससे आपको मिलेंगे स्लाइम बॉल्स। और अगर आप शुगर केन के ब्लॉक्स रखते हो भाई, कंप्रेस्ड किए हुए शुगर केन्स, तो आपको मिलेंगे ब्लेज पाउडर, जिसको स्लाइम बॉल और ब्लेज पाउडर को मिला के आप बना सकते हैं मैग्मा क्रीम, और उससे बनती है आपकी मैग्मा ब्लॉक। तो पहले तो ये 3 ले लेते हैं भाई, क्योंकि मेरे को वो भी तो बनाना पड़ेगा ना। एक और जनरेटर बनाने वाला हूँ भाई मैं, तो उसके लिए पहले तो मेरे को ये रख देता हूँ भाई, फर्नेस में 3 रख देता हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद वो भी तो बनाने वाला हूँ ना। पहले कोल ले लो भाई, कोल तो ख़त्म हो गया है शायद उसमें। चाहिए 7 भी ब्लॉक आ चुके हैं भाई स्लाइम बॉल्स। तो अभी ये स्टोन बनते रहेंगे, क्योंकि मेरे को वो भी तो बनाना पड़ेगा ना, जो कि स्टोन कटर। वैसे स्टोन कटर के लिए चाहिए क्या भाई? बस एक आयरन इनगेट चाहिए बस, और नीचे 3 स्टोन रखने हैं। सबसे पहले तो हम वो ले लेते हैं रेड स्टोन ब्लॉक, और रेड स्टोन ब्लॉक को हमें बीच में रखना है भाई। पहले तो शार्ड ले लो, ऑब्सीडियन शार्ड, और आजू बाजू 2 वो रख देने हैं भाई ग्लासेस, और बीच में रख देना है रेड स्टोन ब्लॉक, और 2 आपको ऊपर और नीचे रख देने प्लैंक्स, जो कि ओक प्लैंक्स है वो रख देने हैं भाई। और आपको मिल जाएगा जनरेटर फैब्रिकेटर क्रेट। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको वो रखना पड़ेगा भाई, स्लैब नीचे लगाना पड़ेगा, ज़रूरी है भाई, क्योंकि हम उसको यहाँ पे आधे ब्लॉक पे नहीं रख सकते भाई। तो चलिए अभी इसका ढक्कन खोलते हैं। चलो भाई तोड़ दो। अभी तो जनरेटर बन चुका है, लेकिन हमें उसमें वो भी तो रखना पड़ेगा ना भाई। तो चलिए फटाफट से ग्रेवल लेके आते हैं। एक सिंगल, एक कंप्रेस्ड है, और एक डबल कंप्रेस्ड है। ट्रिपल कंप्रेस तो है नहीं भाई हमारे पास, तो अभी इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा हमें। जैसे ही ट्रिपल कंप्रेस्ड आ जाता है, हम लगा देंगे भाई फटाफट से। अभी तो ग्रेवल की तो कोई कमी होने वाली है नहीं, वैसे बहुत सारा ग्रेवल है हमारे पास। तो चलिए फटाफट से अभी लगा देते हैं भाई। और ये तीसरा भी लगा दिया, और इसमें अभी कब्लस्टोन आए ये भाई। पहले तो स्टोन निकाल लो, स्टोन हो चुके हैं भाई। तो अभी करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें वो लेना पड़ेगा भाई, आयरन इनगट। पहले तो ब्लेज पाउडर लो और स्लाइम बॉल्स लो, और उससे बन जाएंगे आपकी मैग्मा क्रीम। और अभी ये सारे के सारे कबल स्टोन ले लो भाई, और बस आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हम इसे कंप्रेस्ड कर देते हैं भाई सबको। इनसे हमें मिल जाएंगे 2 कंप्रेस्ड, डबल कंप्रेस्ड किए हुए कबल स्टोन्स, जिससे हम बना सकते हैं मैग्मा ब्लॉक्स। चलो भाई छान लेते हैं फटाफट से। अब इसमें थोड़ी बहुत निकलनी चाहिए भाई, वो आयरन निकलना चाहिए भाई। लैपिस चारकोल वगैरह बहुत कुछ निकल रहा है भाई, लेकिन आयरन नगेट थोड़े बहुत निकले है। क्या हम एक बना सकते हैं क्या भाई? अच्छा बना सकते हैं भाई एक। तो अभी 7 हमारे पास बच के रह जाते हैं भाई। तो चलिए फटाफट से बना देते हैं भाई। करना कुछ नहीं, नीचे सिर्फ आपको 3 स्टोन रखने, और ऊपर एक वो रखना है दोस्तों, जो कि आयरन। और नीचे स्लैब रख के उसके ऊपर रख देते हैं हम। रख दिया, और नीचे हम लगा देते हैं टॉर्च। तो अभी टॉर्च लगा दो। अभी काफ़ी सारा काम तो हमारा वैसे हो चुका है, लेकिन अभी हमें बहुत सारा काम करना है, अभी भी बाकी है भाई। अभी हमें लावा भी तो बनाना पड़ेगा ना आज। तो हमारे पास अभी 2 तो आ चुके हैं भाई,
और ये मेरे पास 31 बन चुके हैं और कबल स्टोन्स, तो अभी हम इनको रख देते हैं भाई, जो कि डबल कंप्रेस्ड किए हुए है ना, उनको हम मेल्टिंग फर्नेस में रख देते हैं, और नीचे एक चारकोल रख देते हैं भाई। अभी ये बनता रहेगा, थोड़ी देर बाद हमें दो और मैग्मा ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो चलिए भाई फटाफट से, अभी तू मर जा भाई, तेरी ज़रूरत नहीं। वैसे यार ये बारिश में कैसे रहा भाई? बारिश में तो उनको अच्छा खासा डैमेज मिलता है भाई। कोई नहीं, होगा यार उसके कोई सीक्रेट ट्रिक। अच्छा मैंने वो जो बनाया ना, तो वो उसके नीचे था भाई, यहाँ पे पानी नहीं लग रहा उनको। चाहिए, दो और मिल गए भाई मेरे को। तो चलो यार अभी चलते हैं। और भाई अभी तो बहुत सारा काम हो चुका है अभी मेरे को, अभी कबल स्टोन भी मिल चुके हैं दो, तो मैं अभी बना सकता हूँ भाई। कंप्रेस्ड किया हुआ कबल स्टोन एक बन जाएगा, और उसी से हमारे पास 9 कंप्रेस्ड कबल स्टोन हो गए, तो हम डबल कंप्रेस्ड बना सकते हैं भाई अभी। तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, तो अभी बन चुका है, तो हम अभी एक और बना सकते हैं भाई। अभी इसमें रख देते हैं भाई हम। अच्छा अभी ये 3 हो गए, तो अभी ये 4 हो जाएंगे भाई, मतलब हमारे पास अभी पूरे के पूरे 8 आने वाले हैं भाई। तो चल चलिए भाई बना लेते हैं। और मैंने बाकी के यहाँ पे रखे थे शायद कहीं पे, पहले ये 4 तो निकाल लूँ। तो मैंने इस वाली चेस्ट में रखे थे 2, क्योंकि अभी हमारे पास 6 हो चुके हैं भाई, तो हमें अभी सिर्फ कितने चाहिए, अभी 2 चाहिए भाई हमें फिर भी। और ये 5 तो हमारे पास वो है भाई, तो पहले तो हमें स्टिक्स बनाने पड़ेंगे भाई, और मेरे को जंगल सैपलिंग भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास एक है भाई अभी, अभी तो ज़रूरत नहीं है। पहले तो स्टिक्स बना लो, फिर तो बोन मील बनानी पड़ेगी ना हमें, तो बोन मील बना लो, और ये ब्लेस पाउडर बना लो भाई। और अभी हमारे पास एक और आ चुका है, अभी बस ज़रूरत है तो बस एक की, तो मेरे को अभी करना क्या पड़ेगा? तू मर जा यार, तू क्यों आ रहा है अभी? मैंने तेरे को मारा भी तो नहीं ना। तो अभी हमारे पास अभी ये 4 आ चुके हैं भाई बैम्बूस कंप्रेस्ड किए हुए, तो अभी हम बना सकते हैं भाई, मतलब हमारे पास हो चुके हैं भाई इनफ, तो अभी हम लावा बना सकते हैं भाई। तो चलिए भाई यहाँ पे रखने पड़ेंगे आपको, और नीचे फ्यूल रख देते हैं भाई, और हमको मिल जाएंगे 4 स्लाइम बॉल्स, मिल चुके हैं भाई। अभी सिर्फ मेरे को ब्लेस चाहिए भाई, ब्लेस पाउडर, तो वो तो है हमारे पास, वैसे भी 8 पड़ी हुई है ऊपर। तो चलो यार अभी बना देते हैं हमारा फटाफट से, जो कि मैग्मा ब्लॉक्स और ये ब्लेस पाउडर। मैग्मा क्रीम्स बन चुकी है, तो अभी मैग्मा ब्लॉक्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना हमें उससे। ये हो चुका भाई, फाइनली हमने आज का टास्क कंप्लीट कर दिया है। चलो भाई ये बना लेते हैं फिलहाल तो। और कंप्रेस्ड किया हुआ कबल स्टोन बन चुका है, अभी हमारे पास 8 हो चुके हैं, तो अभी हमें बकेट लेनी पड़ेगी भाई। बकेट ले लो और लावा बना लो भाई। अभी लावा तो हमारे पास बहुत सारा हो चुका है, बहुत सारा नहीं मतलब एक ही हुआ है, लेकिन एक भी बहुत है भाई। लावा की कीमत आप यहाँ पे नहीं जानते भाई, यहाँ पे क्या कहीं पे भी नहीं जानते भाई, सिर्फ जब आप ज़मीन पे सरवाइव करते हो तभी जान सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना, और साथ ही में कमेंट में भी ये बताना कि आप ये सीरीज ज़्यादा कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर वो वाली लास्ट डे ऑन अर्थ सर्वाइवल की। खैर वो तो अभी यार उसमें तो पुशिंग हो नहीं रही है, लेवल्स तो फटाफट से अपग्रेड हो नहीं रही, तो ये तो भाई जारी रहेगी, वैसे कोई डरने की बात है नहीं वैसे। तो अभी सिर्फ अगर आप मेरे को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं बहुत सारा काम करने वाला हूँ भाई अगले एपिसोड में। अभी हम अगले एपिसोड में बहुत सारी कुकीज़ भी खाने वाले हैं भाई, और मैं एक जनरेटर बनाने वाला हूँ, जो कि हमारा जो फिज़िकल जनरेटर होता है, जो हम जनरेट करते हैं कबल स्टोन, वो बनाने वाला हूँ। वो तो आपको पता है, मैं दिखाऊंगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।